हेलो दोस्तों, बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस का आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने जस्ट देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड सम टिप्स एंड रेफरेंसेस बाय सम एक्सपर्ट्स। देन सेकंड पार्ट पे हमने देखा है कि व्हाट इज मीन बाय चार्ट, वेदर इट इज लाइन चार्ट और बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। बोलो। ऑल्सो हमने देखा है कि टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस, कि 5 मिनट का चार्ट क्या होता है, 15 मिनट का चार्ट क्या होता है, 1 घंटा का चार्ट क्या होता है एंड सो ऑन। आज हम देखेंगे कि यही जो चार्ट एनालिसिस लर्निंग प्रोसेस है, उसको प्रैक्टिकली जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। उसके लिए हमें एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म देखना है। देयर आर सो मेनी फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट्स जहां पे चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। उसमें से आई सजेस्ट द ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल, जो हमने पार्ट 1 पे सजेस्ट किया है। आज हम देखेंगे ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल को कैसे यूज करते हैं, उसका डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। तो उसके लिए आपको गूगल में tradingview.com एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक साइन इन रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर, प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट, ब्रोकर्स एक्सेट्रा डिफरेंट। हमें यहाँ पे आना है चार्ट में, प्रोडक्ट्स में चार्ट होगा, चार्ट में आना है। जब ये पार्ट यूज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो हमें इस टाइप का कुछ चार्ट दिखेगा। अभी यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने अभी जो भी इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स था उसको मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ बेसिक्स देखना है। तो आप पहले इस पार्टिकुलर जगह पे आप देखोगे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको डालना है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, वीकली, मंथली एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का रिलेवेंस क्या है कि उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे दिया, हाई कितना मारा, लो कितना मारा उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसे हम डालेंगे USD INR तो आपका USD INR आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे टाटा स्टील डालेंगे तो ये टाटा स्टील का चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्रूड ऑयल डालेंगे तो आपका यहाँ पे क्रूड ऑयल्स आ जाएगा। ये क्रूडल्स आपको जो चाहिए, आपको यूरो आयनर डालना है तो आप यूरो आयनर डालिए तो आपका यूरो आयनर आ जाएगा। आपको अगर अमेरिका का चार्ट देखना है, डाउ जोन्स, आपका ये डाउ का चार्ट आ जाएगा। आपको अगर कुछ भी देखना है, बिटकॉइन देखना है तो आपका बिटकॉइन का चार्ट आ जाएगा। ये वाला हो गया आपका कौन सा स्क्रिप्ट देखना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको देखना है। इसके लिए यहाँ पे आपको देखना है टाइम फ्रेम, फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप देखोगे कुछ कुछ स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप जो जो रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली टाइम फ्रेम यूज करोगे वहां पे अगर आप स्टार मार्क डाल दोगे तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं
3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 वीक एंड आपका 1 मंथ चार्ट कंसीडर करता। तो इसको मैंने स्टार मार्क किया। जैसे जो जो आप स्टार मार्क करोगे तो यहाँ पे हाईलाइट होगा। मान लीजिए कि मैं 3 मिनट को अनस्टार करता हूँ तो ये देखिए 3 मिनट गायब हो गया। फिर मैं इसको 3 मिनट के स्टार्ट करता हूँ तो ये, यानी आपको जो जो टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करना है यहाँ पे स्टार में मार्क हिट मार्क कीजिए तो ये आपका रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। पहला ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, दूसरा ये टाइम फ्रेम हो गया, और एक्स्ट्रा जो भी है यहाँ पे रहेगा आपका जो आपको रेगुलर बेसिस में यूज नहीं करना है। थर्ड वाला आइटम है यहाँ पे चार्ट कौन सा यूज करना है, कि आपको बार चार्ट यूज करना है, कैंडल चार्ट यूज करना है, लाइन चार्ट यूज करना है, हाइकनाशी, रेंको, कागी, पॉइंट एंड फिगर, ऑल दिस थिंग्स में से कौन सा यूज करना है। हम लोग अभी लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप स्टार डाल दोगे तो ये आपका ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आता है आपका ये इंडिकेटर्स, जो डिफरेंट इंडिकेटर्स रहता है, जैसे कि आपको पता होगा, किसी ज्यादातर लोगों को पता होगा मूविंग एवरेज क्या होता है, RSI क्या होता है, बोलिंजर बैंड क्या होता है, स्टोकेस्टिक्स क्या होता है, MACD क्या होता है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। जैसे आपका हो गया बोलिंजर बैंड, उसके बाद हो गया इचिमुकु क्लाउड, उसके बाद हो गया मूविंग एवरेज, उसके बाद मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पैराबोलिक सार RSI, तो स्टोकेस्टिक्स RSI, सुपर ट्रेंड, ऑल दिस थिंग्स, वॉल्यूम्स, आपको जो जो चाहिए ये इंडिकेटर में आपका अवेलेबल है। ज्यादातर फ्रीली अवेलेबल इंडिकेटर्स यहाँ पे मौजूद है। ये हो गया आपका इंडिकेटर्स। उसके बाद हो गया ये आपका इंडिकेटर टेम्पलेट, जहां पे आप जो परो मींस यूज करोगे तो यहाँ पे आप उसको सेव करके रख सकते हो। ये कुछ अलर्ट एंड रिप्ले बटन है जो आपका पेड वर्जन में अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लेआउट, यानी यहाँ पे एक चार्ट है, इसका जो प्रीमियम वर्जन है, प्रीमियम वर्जन में आपको 2 चार्ट एक साथ में देखना है, 3 चार्ट देखना है, 4 चार्ट देखना है, 8 चार्ट देखना है, उस हिसाब से देख सकते हो। ये फ्री वर्जन है तो आपको एक ही चार्ट मिलेगा, 2 चार्ट मिलेगा नहीं। जैसे आप क्लिक करोगे आपको बोलेगा कि आप ट्रायल वर्जन ले लो, उसके बाद पेमेंट करो। ये हो गया आपका डिफरेंट लेआउट्स, आपको एक ही स्क्रीन में 2 चार्ट चाहिए, 4 चार्ट चाहिए या क्या चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ऑटो सेव वाला, यानी आप यहाँ पे कुछ लाइन खींचे हो, कुछ ट्रेंड लाइन खींचे हो या कुछ आपका रीडिंग्स करे हो, उसके बाद उसको सेव करना है। यहाँ पे आप अगर ऑटो सेव बटन को ऑन कर दोगे तो फ्रिक्वेंटली ये सेव होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स, जो चार्ट रिलेटेड सेटिंग्स है, यहाँ पे देखिए बॉडी बुल कैंडल के लिए यहाँ पे ब्लू है, आप अगर इसको ग्रीन करना चाहो तो आपका ग्रीन हो जाएगा, रेड को आप ब्लैक करना चाहो तो आपका ये यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद ओके करोगे तो देखो आपका ये ग्रीन एंड ब्लैक हो गया। ये है सेटिंग्स का डिफरेंट। तो मैं ओरिजिनली जो रेगुलर बेसिस में यूज हो मैं यहाँ पे करता हूँ, उसी को बैक कर लेता हूँ रेड एंड ग्रीन। उसके बाद बॉर्डर को कौन सा कलर्स में देना है, विक्स यानी ऊपर का जो एक मोमबत्ती की तरह, मोमबत्ती का विक्स की तरह रहता है या नीचे की तरफ भी रहता है, वो विक्स को कैसे दिखाना है, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे आपका सेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद हम इधर लेफ्ट साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंट नोटिफिकेशंस आता रहेगा, आपका जो लॉगिन आईडी है और क्या क्या आप कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है।
उसके नीचे ये हो गया आपका कर्सर का। जैसे आप यहाँ पे मैंने ये देखो ये कर्सर को राइट लेफ्ट कर रहा हूं तो एक प्लस साइन की तरह कर्सर के साथ साथ घूम रहा है। मैं अगर चाहूं तो इसको एरो कर सकता हूं। जैसे देखो जैसे मैं राइट लेफ्ट करूंगा तो ये एरो घूमेगा। उसको अगर मैं मान लो इरेजर टाइप का करूं तो ये इरेजर टाइप का घूरेगा। इसको मैं डॉट करूं तो डॉट के टाइप का घिरेगा। मीन्स कहने का मतलब आपको ये जो कर्सर जब मूवमेंट करोगे ये मूवमेंट को आपको कैसे दिखना है, इस टाइप का प्लस साइन की तरह दिखना है या एरो दिखना है या इरेजर टाइप देखना है या डॉट टाइप देखना है, यहाँ पे आप जैसे ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका एक फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड वाला डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, एरो कैसे खींचते हैं, रे कैसे खींचते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचते हैं, वर्टिकल लाइन कैसे खींचते हैं, पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं, ऑल दिस थिंग्स जो है ये पहले पे। मान लीजिए मैं अभी लाइन खींचना चाहता हूँ तो लाइन के लिए मेरे को मिनिमम दो पॉइंट चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट हिसाब किया और यहाँ पे एक पॉइंट की कंसीडर किया और इसको ड्रॉ किया, ये हो गया एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। उसके बाद मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, जैसे ऊपर नीचे जिसके हिसाब से आपको करना है इधर कर सकता हूँ या इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, आपको जैसे चाहिए वैसा कर सकते। आपको चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये यहाँ पे करूंगा, कौन सा जगह पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। सपोज मेरे को इसके लो पे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। आपको अगर सपोज वर्टिकल लाइन क्लियर करना है डालना है तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन में क्लिक करोगे, कहाँ पे वर्टिकल लाइन डालना है, सपोज ए वाला पॉइंट पे आपको वर्टिकल लाइन डालना है तो ऐसे क्लिक करोगे तो आपको वर्टिकल लाइन आ जाए। ये वर्टिकल लाइन में भी आपका ये कलर कौन सा डालना है, आप अभी पहले ये ब्लैक था, ब्लैक डॉटेड था, सपोज इसको रेड कर दिया या मैंने इसको येलो कर दिया या मैंने इसको ब्लू कर दिया, आपका चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका थिकनेस, ये लाइन का थिकनेस 1 2 3 4। उसके बाद है आपका यहाँ पे ये आपको लाइन से चाहिए, डैश लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए। मैं यहाँ पे लाइन कर दिया तो देखियो ये लाइन हो गया। इसको मैं डैश लाइन करूंगा तो डैश लाइन हो जाएगा, इसको मैं डॉटेड लाइन करूंगा तो डॉटेड लाइन हो जाएगा। यानी आपका चॉइस के हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया लाइन का। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बटन ओपन हो जाएगा। फिर वहां पे कौन सा कलर डालना है, क्या थिकनेस डालना है, उसके बाद लाइन डालना है, डैश लाइन डालना है, डॉटेड लाइन डालना है, कैसे डालना है, या आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे रिमूव बटन में क्लिक करोगे तो रिमूव बटन में आ जाएगा। फिर इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे रिमूव कर दोगे। मान लो आपको एरो डालना है तो आपको एरो, ये वाला हो गया एरो, अभी कहाँ पे डालना है, सपोज मेरे को ये पॉइंट में एरो मार्क करना है तो यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको खींच देना है। और एक बार दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद जहां से खींचना है, सपोज मेरे को यहाँ से खींचना है ये पर्टिकुलर पॉइंट से तो यहाँ पे मैंने एक क्लिक करूंगा, उसके बाद कहाँ पे लेके जाना है उसको उधर ड्रैग करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, ये हो गया एरो लाइन। सो उसके बाद चैनल, चैनल बोले तो पैरेलल लाइंस। अभी चैनल्स कैसे डालते हम आगे जाके, चैनल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चैनल जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहां से यहां तक, अभी उसका पैरेलल ऊपर मेरे को ड्रॉ करना है तो ऐसा खींच के इसको डालूंगा तो ये एक चैनल हो जाएगा, यानी प्राइस इस दो रेंज के बीच में घूमता रहेगा, दैट चैनल। ये हो गया लाइन का। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है डिफरेंट फिबोनाची एंड अदर टाइम फ्रेम्स, जहाँ पे जनरली यूज होता है आपका फिब रिट्रेसमेंट्स, दैट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, बाकी आपका गेन फ्रेम्स, पिच फॉक, एक्सटेंशंस, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। जो ज्यादा अगर कोई ज्ञान के
एनालिसिस करेगा तो उन लोगों के लिए यहाँ पे यूज होता है, हम लोग यूज नहीं करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे मेनली आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स यूज करते हैं, यानी मान लीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में क्या है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें एक लाइन खींचना है, फिबोनाची लाइन खींचना है इस टाइप का। यहाँ पे डिफरेंट रेशियोज है, वो हम जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का डिस्कस करेंगे तब जाके हम इसको फर्दर देखेंगे। उसके बाद थर्ड वाले पे हम कैसे डिफरेंट जियोमेट्रिक पैटर्न्स हम यूज करते हैं, जैसे ये है ब्रश, यानी हमको जैसे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, समथिंग लाइक दैट, ये हो गया ब्रश। इसको अगर ब्रश को डीएक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसको डिलीट कैसे करना है, आप एक एक करके अगर क्लिक करना चाहते हो तो एक सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो, एक सिलेक्ट करो और फिर क्लिक करो। अगर सबको डिलीट करना है तो एकदम बॉटम में देखो एक डिलीट बटन है, उसको क्लिक करोगे तो जितना भी आपका काम है सब डिलीट हो जाएगा। ये हो गया आपका ब्रश का। फिर हाइलाइटर, आप अगर कहीं पर हाईलाइट करना चाहते हो आपका चॉइस। उसके बाद आपका रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है तो आप एक बॉक्स बना सकते हो, सर्कल बनाना है तो आप उसमें सर्कल बना सकते हो, आपको इलिप्स बनाना है तो आप ऐसा खींचोगे तो आपका इलिप्स हो गया। उसके बाद डिफरेंट ट्राइंगल बनाना है, रोटेट ट्राइंगल, ऑल दिस थिंग्स, लेकिन जनरली ब्रश, हाईलाइटर, रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्कल यही यूज होता है। उसके बाद पाथ ड्रॉ करना है, मीन्स आप मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, यानी एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह इधर से इधर जाओ और इधर से इधर जाओ। उसके बाद आप वैसे कर सकते हो, ये वाला हो गया थर्ड। उसके बाद है एनोटेशंस, यहाँ पे आपको लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, नोट लिखना है। तो सपोज टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे कि दिस इज माय स्टॉप लॉस, लिख के जो भी लिखना है लिख के कर दिया। उसके बाद ऊपर नीचे करना है, जहां पर भी आपको डालना है आप उसको डाल सकते हो। ये हो गया आपका टेक्स्ट के लिए, उसका डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे है। ये जो है आपका डिफरेंट जियोमेट्रिक पैटर्न है जो हम यहाँ पे यूज नहीं करते, इलियट वाले बेसिस ज्यादातर यूज करते हैं। उसके बाद स्केल, स्केल से आप मेजर करना है, सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट आया है उसको मेजर मेजर करना है, तो ऐसा खींचोगे तो आपको दे देगा टॉप से बॉटम तक कितना पॉइंट का मूव हुआ है। तो वैसा करके ये हो गया आपका लेफ्ट साइड का एक्टिविटीज, सब काम को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अभी राइट साइड में अगर हमें आना है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट, फ्री में आपको दो ही वॉच लिस्ट मिलेगा, जैसे यहाँ पे मेरा अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, एक वॉच लिस्ट, दूसरा वॉच लिस्ट। यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है वॉच लिस्ट में तो आपको यहाँ पे प्लस में बटन करना है और जो ऐड करना है वहां पे लिखो आप, जैसे सपोज मैं निफ्टी 50 लिखता हूँ, निफ्टी फ्यूचर भी लिख, सपोज मेरे को निफ्टी 50 चाहिए, अभी फ्यूचर में नहीं आता, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लस साइन हो गया, यानी प्लस साइन को क्लिक किया तो एडेड हो गया। अब देखो ये नीचे एडेड हो गया निफ्टी का। उसके बाद इसको क्लिक करोगे तो ये चार्ट ऑटोमेटिक निफ्टी चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बार बार यहाँ पे आपको वो चार्ट जो आपको देखना है उसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एक पार्टिकुलर टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में ही जो आपको देखना है, सपोज बैंक निफ्टी देखना है तो बैंक निफ्टी है मैंने क्लिक किया, बिटकॉइन देखना है तो बिटकॉइन का आ गया, कॉपर इन डॉलर टर्म्स में देखना है, कॉपर इन रूपी टर्म्स में देखना है, क्रूड ऑयल देखना है, गोल्ड देखना है, डाउ जोन्स देखना है, एंशेंग देखना है, उसके बाद सिंगापुर निफ्टी देखना है, नेचुरल गैस देखना है, निकाई देखना है, आपका रशियन स्टॉक एक्सचेंज का देखना है, सेंसेक्स देखना है, सिल्वर देखना है, जो भी आपको देखना है पहले आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक लेफ्ट वाला चार्ट आपका चेंज होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज है जो आपको यहाँ पे एज ऑफ नाउ इट्स ऑफ नो डेट नॉट यूज, जब जब इसका यूज हो जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा।
ये बेसिकली वॉचलिस्ट डिटेल्स है, बाकी का टाइम अलर्ट वो सब है, वो अभी के लिए वो सब जरूरी नहीं है आपके लिए। जरूरी जो है आपका ये इंस्ट्रूमेंट, टाइम फ्रेम, कैंडल चार्ट या जो भी आपको चाहिए, इंडिकेटर्स और लेफ्ट साइड में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर यही चार्ट को सपोज मेरे को यूएसडी आई एन आर देखना है, ये हो गया आपका यूएसडी आई एन आर, कौन सा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का है। और यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, कैंडल देखना है, बार देखना है या लाइन देखना है। अगर बार देखना है तो बार सिलेक्ट किया, अगर लाइन देखना है तो मैंने लाइन सिलेक्ट किया, अगर मेरे को कैंडल देखना है तो मैंने कैंडल सिलेक्ट किया। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का देखना है, 1 घंटे का देखना है, 1 दिन का देखना है, आपको जो भी देखना है आपका चॉइस। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप कैंडल चार्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको ये पार्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू इज मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दूसरा कोई चार्ट आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। जो लोग नए हैं वो ये पार्टिकुलर tradingview.com वाला चार्ट आप यूज करना चालू कीजिए, ये फ्रीली अवेलेबल है एंड काफी यूजर फ्रेंडली है एंड वन ऑफ द बेस्ट। प्लस ये फ्री वाला वर्जन है, आपको पेड वाला वर्जन लेने का जरूरत नहीं है फॉर लर्निंग द बेसिक्स एज वेल एज एडवांस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस में आज का जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हम कैसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उसके बारे में एक जानकारी दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल होगा, ताकि जैसे जैसे मैं आगे कैंडल्स के बारे में डिस्कस करूंगा आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। सिर्फ ये एक बार मैं जो वीडियो बनाया उस वीडियो को देखने से काम नहीं होगा, आने वाले दिन में काफी सारी चीज आपको सीखना है, जानना है और समझना है। नेक्स्ट हम आएंगे कि आगे हम आएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, एक एक सिंगल कैंडल्स, उसके बाद सिंगल कैंडल पैटर्न्स, डबल कैंडल पैटर्न्स, देन मल्टीपल कैंडल पैटर्न्स, वो सब आएंगे। फिर आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, मीन्स व्हाट आर द बेसिक्स कि जिसके बेसिस पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। चैनल यहाँ पे देखिए, एक चैनल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था, ये चैनल का इम्पोर्टेंस कैसा है। तो देखिए ज्यादातर में क्या होता, चैनल के अंदर में ही ये मूव कर रहा था। अभी देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल यानी चैनल टाइप का ड्रॉ किया जिसके अंदर में डॉलर रुपी रेंज बाउंड मूव कर रहा है। अभी हमारा डॉलर रुपी का एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब तक ये आइदर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं दे देता है या नीचे की तरफ ब्रेक नहीं दे देता है, इसके अंदर में ही हिचकोले खाते रहेंगे और सबका मीन्स कभी लॉन्ग को कटवाएंगे, कभी शॉर्ट को कटवाएंगे, पोजीशन कटिंग होता रहेगा। तो कहने का मतलब, जब तक आप प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे ऑन चार्टिंग सॉफ्टवेयर, तब तक टेक्निकल एनालिसिस आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आपको कोई स्पून फीड कराने वाला नहीं हूँ, आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से क्या क्या चीज होता है और किस टाइप से डिफरेंट एनालिसिस किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।